जब अस्पताल ले जा रहे थे तो दिखाने के लिए, तो हमारे को बड़ा तरस आया उसके ऊपर। और आप ये समझिए जैसे टीबी की लास्ट स्टेज होती है, पूरे बदन में हड्डी का ढांचा है। तो परमेश्वर की एक आवाज मेरे दिल में आई कि जाओ दुआ करो। और आप यकीन मानिए मैं 50 साल का हो चुका था और कभी किसी के लिए बाहर दुआ नहीं की थी अपनी पैदाइशी क्रिश्चियन में। तो जब ऐसी बात है तो मेरी हिम्मत जल्दी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं ये समझ गया कि ये आवाज परमेश्वर की है। दुआ करने के लिए परमेश्वर ही कहेगा, शैतान नहीं कहेगा। और पंडित फैमिली थी वहां जाना, तो मेरे यहाँ जो काम करने वाली एक थी तो उसको भेजा हमने कि जब उनसे पूछो कि हम दुआ करने आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा उनको भेज दो जल्दी। तो जब हम गए तो वो लड़की लेटी हुई थी, उसकी माँ ने कपड़ा हटाया तो वो एकदम एकदम बिल्कुल हड्डी का ढांचा, वो पलट के आगे टेढ़ी थी चीजों कपड़ा हटाया तो शैतान ने मालूम उससे क्या कहा, मुर्दा खिलाने आए हो। थोड़ी देर के लिए मैं भी सहम गया, फिर हमने यीशु के नाम से उसको डांटा और हट गया। फिर हम क्या बैठे और उनसे हमने कहा देखिए आपके 33 करोड़ की 36 करोड़ देवी देवता है, आप अभी भी उनसे कर सकती है, और अगर जब ना हो तब बुलाइएगा तब हम आएंगे। तो उसने कहा नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार है, हम करके हार चुके हैं। तो हमने उनको आधा घंटा नया नियम प्रीच किया जिसमें यीशु मसीह के सारे लक्षण कर्म पैदाइश बता दी ताकि उनको थोड़ा सा यकीन और विश्वास हो जाए। तो दुआ काम बहुत तेज करती है जब कोई यकीन कर लेता है। और हम दुआ करके आए, दुआ करके हम घर आ गए। दूसरे दिन सुबह उसका पिताजी उसके आए, हमारे घर नौक किया, सुबह 7 बजे टाइम था, ड्यूटी जा रहे थे और मुझे झुक के दंडवत कर रहे हैं और कहने लगे कि अरे मेरी बेटी तो सुबह झुक के चलने फिरने लगी, खाना हमको ना करिए, अभी हाथ जोड़िए और ये कहिए यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आपकी नाम से मेरी बेटी ठीक हुई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यीशु के नाम से लोग क्यों चंगे होते हैं, क्योंकि यीशु नाम जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ नाम है, यहाँ वालों का दुनिया वालों का दिया हुआ नाम नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा कुछ कहेंगे, दुनिया में जब चीज है एक नाम मसीहा, दुनिया में जब चीज है एक नाम मसीहा, पाएगा वो नजात जो ले नाम मसीहा, पाएगा वो नजात जो ले नाम मसीहा। बस आप लोग से इतना कहना चाहूंगा कि यीशु के वचन को पे चले गया और दुआ करेंगे तो यकीन मांगिए कि वो दुआ आपकी सुनी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड।